हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहां पे जाके सर्च कर सकते हैं, और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये है बीएड में और बीएड के पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लर्निंग एंड टीचिंग में। ठीक है, पर ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी आई जाता है क्योंकि ये बहुत कॉमन सी चीज़ है और ये काफ़ी सब्जेक्ट्स में आपको ये टॉपिक या ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि आईसीटी का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहेंस करने के लिए। ठीक है, या टीचिंग एड से कहीं पे भी कोई टॉपिक आता है तो उसमें आईसीटी का रोल बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में ही आ सकता है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे। चलो देखते हैं क्या होता है आईसीटी या इसका मीनिंग क्या है। तो आईसीटी स्टैंड करता है इंफॉर्मेशन, मतलब जानकारी मुहैया कराना, डाटा प्रोवाइड करना, कम्युनिकेशन मतलब लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब सभी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो भी डिवाइस होते हैं, जो भी टूल्स होते हैं। ठीक है, तो इस वर्ड से ही काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन को मुहैया कराना, कम्युनिकेशन करना और टेक्नोलॉजी की मदद से ये सभी चीज़ें करना, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और कम्युनिकेट करना। और इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल द डिवाइसेस, टूल्स, इंटरनेट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंटेंट, रिसोर्स, सेल फोन्स, इंटरेक्टिव डिजिटल कंटेंट, इंटरनेट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस, रेडियो एंड टेलीविजन सर्विसेज यूज टू क्रिएट, कि हम इन सभी डिवाइस का, इन सभी मेथड्स का यूज करते हैं क्रिएट करने में कंटेंट को, डाटा को या कंटेंट को स्टोर करने में। और आईसीटी हेल्प करता है यूजर को और प्रोवाइडर को आपस में इंटरेक्ट करने में जब भी इसकी जरूरत होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। सपोज मैं ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो कमेंट करके, है ना, और मैं भी आपसे इंटरेक्ट कर सकता हूँ थ्रू लाइव एंड थ्रू कमेंट। ओके, हालांकि इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है आईसीटी की। यूनेस्को ने क्या कहा है कि आईसीटी इज ए साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। ठीक है, एंड मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड इन हैंडलिंग इंफॉर्मेशन, इट्स एप्लीकेशन एंड एसोसिएशन विद सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल मैटर्स। इसका हिंदी में क्या अनुवाद है कि आईसीटी एक वैज्ञानिक, तकनीकी और इंजीनियरिंग अनुशासन और प्रबंधन तकनीक है। ठीक है, एक मैनेजमेंट टेक्निक है जिसका उपयोग सूचना, इसके अनुप्रयोग और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों के साथ जुड़ने में किया जाता है। ठीक है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं इस ऑनलाइन क्लास से, क्या कर रहे हैं, हम आपस में जुड़ रहे हैं। मैं आपको ये टॉपिक समझा रहा हूँ, समझ रहे हो, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझसे कम्युनिकेट करोगे, इंटरेक्ट करोगे। ठीक है, तो वो सभी डिवाइसेज जो कि हमें हेल्प करती हैं अपने डाटा को क्रिएट करने में, स्टोर करने में और आपस में शेयर करने में, वो सभी किसके अंदर आती हैं, वो सभी आती हैं आईसीटी डिवाइसेस के अंदर या आईसीटी टूल्स के अंदर। ठीक है, बाकी इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। चलो, तो ज़रूरत क्या है आईसीटी की टीचिंग में। तो 21st सेंचुरी में वैसे भी बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो गया है सभी चीज़ों का, सभी कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल हैं। क्यों अवेलेबल हैं, क्योंकि लोगों की नीड या ज़रूरतें चेंज हो गई हैं। वो फिजिकल सेटिंग में जाके वो पर्टिकुलर चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, वो अपने घर पे बैठ के सभी कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ठीक है, और इसी एक्सपीरियंस में इन्वॉल्व होता है एजुकेशन भी। और इसी डिमांड के तहत क्या हुआ, ये सभी आईसीटी डिवाइसेस इन्वेंट हुई, डिस्कवर हुई और आज ये सभी डिवाइसेस एजुकेशनल सेटिंग में बहुत ज़्यादा यूज हो रही हैं। जैसे कि हमने सभी ने कोविड-19 का टाइम देखा, पूरा लॉकडाउन था और आईसीटी उस टाइम नहीं होता तो क्या होता, सभी लोग आपस में डिसकनेक्ट हो जाते। ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी तो सभी लोग आपस में जुड़े थे, किसी का भी काम मोस्टली हैम्पर नहीं हुआ जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल थे। ठीक है, क्योंकि ईमेल के जरिए, यूट्यूब के जरिए, लर्निंग एप्स के जरिए सभी बच्चे कनेक्ट थे, सभी टीचर्स कनेक्ट थे। हालांकि कुछ लोगों को दिक्कत हुई लेकिन टाइम के साथ सबने सभी चीज़ें, टूल्स एंड डिवाइसेस यूज करना सीख लिया। गेटिंग माय पॉइंट, तो आईसीटी क्या है, नीड है, जरूरत है आज के टाइम के अकॉर्डिंग। क्लियर है, क्लासरूम जैसे डे बाय डे चेंज हो रहे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं, वो फिजिकली नहीं पढ़ना चाहते हैं,
तो उनकी स्मार्टनेस को टैकल करने के लिए, उनकी स्मार्टनेस के अकॉर्डिंग चलने के लिए या गैप को पूरा करने के लिए जो कि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में है, हम ICT का यूज करते हैं। ICT में सभी डिवाइसेस आती हैं, TV, लैपटॉप, स्मार्ट क्लासेस, ऑडियो डिवाइसेस, विजुअल डिवाइसेस, सभी का यूज करते हैं टीचिंग को एनहेंस करने में, ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस, टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहेंस करने में, ताकि जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। आई होप आप इतने लेक्चर के बाद समझ गए होंगे, ठीक है। ICT बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्यों? क्योंकि ये लर्नर सेंट्रिक अप्रोच या लर्नर सेंट्रिक करिकुलम पे जोर देती है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, या कोई भी लर्नर यहाँ पे क्या है, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग टीचर सेलेक्ट कर सकता है, कोई भी चैनल सेलेक्ट कर सकता है, कोई भी ऐप सेलेक्ट कर सकता है, और कोई भी ऑनलाइन कंटेंट सेलेक्ट करता है जो भी उसे पढ़ना है, जो भी उसके नीड के अकॉर्डिंग है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात क्या है, ये लर्नर सेंट्रिक अप्रोच या लर्नर सेंट्रिक करिकुलम पे बेस है, ठीक है। और इसीलिए क्या है, ICT डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा एंटर कर चुका है, गेटिंग माय पॉइंट। तो इसीलिए क्या है, हमें जो भी ट्रेडिशनल मेथड थे टीचिंग के उसको चेंज करके हमें मॉडर्न मेथड अपनाने चाहिए, और हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो अपना भी रहे हैं। बाकी आपको जो भी उस टाइम समझ आए कि क्यों ज़रूरत होती है, आप अपने अकॉर्डिंग में लिख देना, ठीक है। चलो देन आते हैं यूजेस के बारे में। तो यूजेस ऑफ ICT इन टीचिंग, ये मैं पॉइंट वाइज अभी बता रहा हूँ, अभी मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, ईजिली एक्सेसिबल है, ठीक है, कोई भी हल्की सी ट्रेनिंग के बाद यूज कर सकता है, रिमोटली यूज कर सकते हैं, हम कहीं से भी यूज कर सकते हैं। सपोज मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे रोहतक में हूँ और आप पता नहीं देश के अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हो सकते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव कंटेंट बना सकता हूँ मैं, एनिमेट कर सकता हूँ उसको, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकता हूँ, जिससे कि आपकी मल्टी सेंसरी टीचिंग हो जाएगी, मतलब आपकी सभी सेंसेस उसमें यूज कर होंगी, ठीक है। मतलब आप देखोगे वीडियो को, आप सुनोगे वीडियो को, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट भी करोगे, ठीक है। टाइम सेविंग है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आप वहीं बैठे आप कोई भी वीडियो देख सकते हो। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, लीड पोजीशन में है, बच्चे यहाँ पे बहुत सारी बुक्स को, बहुत सारे डिजिटल कंटेंट को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल जो कॉन्सेप्ट होते हैं साइंस के या कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है, हम उसको ऑनलाइन विजुलाइज या सिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है, वर्चुअली। बहुत सारे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हैं जो कि स्टूडेंट को, पेरेंट्स को, टीचर्स को और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को कनेक्ट करते हैं। स्टूडेंट ऑनलाइन या वर्चुअली बहुत मुश्किल एक्सपेरिमेंटेशन को खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं वर्चुअली, गेटिंग माय पॉइंट, ताकि उनको एक्सपीरियंस हो जाए। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके खुद के रेडियो स्टेशंस होते हैं और टेलीविज़न प्रोग्राम्स भी चलते हैं, आपने देखा होगा। NCERT की आई थिंक चैनल भी हैं जो कि प्रोग्राम दिखाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं वो टाइम टू टाइम, और कोविड के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ये इंक्रीज हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने का हमारा सपना है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। हम ऐसी डिवाइसेस बना सकते हैं जो कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए या पर्टिकुलर लर्नर के लिए, इंडिविजुअल के, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं एक्सपेंड करके। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ईजली एक्सेसिबल है, ठीक है, जैसे कि ICT टूल्स हैं, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, डिजिटल रीडर्स या ई रीडर्स, उसको हम कहीं भी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आप सो के उठे हो और आप डायरेक्टली, आपको तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, आप लेटे लेटे कोई भी वीडियो देख सकते हो, या बैठे बैठे कहीं पे भी आप कोई वीडियो देख सकते हो, या सबसे ज़्यादा सीख सकते हो, ठीक है। तो क्या है, टाइम सेव हो जाता है आपका। चलो देन सेकंड पॉइंट है, कैन बी यूज्ड रिमोटली, हम ICT टूल्स को रिमोटली यूज कर सकते हैं, मतलब डिस्टेंस लर्निंग को एनहेंस कर सकते हैं। ना तो टीचर के लिए ज़रूरी है, ना ही स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो फिजिकली स्कूल में आए, ऑनलाइन वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। ये विलेजेस में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि विलेजेस में फिजिकल स्कूल हो सकते हैं उतने अच्छे ना हो, वहाँ पे जो लैब्स हैं वो उतनी अच्छी ना हो, तो जो बच्चे विलेजेस में हैं या जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे MIT है, कोर्स ईरा है, EDX है, ये सभी क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप इनमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हो और यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स में एनरोल हो सकते हो, ठीक है। और आपको डिग्री कहाँ से मिलेगी, आपको बहुत ही रिनोन इंस्टीट्यूट से डिग्री मिलेगी, ठीक है, या डिप्लोमा मिलेगा जो भी आप कोर्स करते हो।
गेटिंग माय पॉइंट? तो आईसीटी टूल्स के जरिए आप डिस्टेंस लर्निंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। इंटरेक्टिव कंटेंट, तो इंटरेक्टिव कंटेंट में हम इमेजेस यूज कर सकते हैं, साउंड्स यूज कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का हम वीडियो बना सकते हैं, उसको एनिमेट कर सकते हैं, जो कि लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देगा, बहुत ज़्यादा ईजी कर देगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव भी कर देगा, और बच्चों को वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो आप उसके बारे में अच्छे से लिख सकते हो। कॉन्सेप्ट हो सकता है पर्टिकुलर टॉपिक का, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हों आपको विजुलाइज करने में आपके मन में, लेकिन जब आप उसका वीडियो देखते हो, उसको इमेज के फॉर्म में देखते हो, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे बायो के फील्ड में आप कितना इमेज करोगे कि इंटरनल ऑर्गन कैसे होते हैं, अगर वही वीडियो आपको एक दो मिनट में दिखा दिया जाएगा कि इंटरनल ऑर्गन कैसे होते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे एक्ट करता है, तो आप वो स्टोरी की तरह याद कर लोगे। गेटिंग माय पॉइंट? चलो फोर्थ पॉइंट है, मल्टी सेंसरी टीचिंग को एनहेंस करता है। तो पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा कि इमेजेस, साउंड्स, वीडियोज यूज करते हैं और ये सभी चीज़ें लर्नर को बहुत ज़्यादा एंगेजिंग बना देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, फिर बच्चा सुनता भी है, देखता भी है और इंटरेक्ट भी करता है वाया वॉइस चैट, वाया कमेंट। ठीक है, और जब बच्चा मल्टी सेंसरी टीचिंग करता है, मल्टी सेंसरी लर्निंग होती है, तब रिटेंशन पावर, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि रिटेंशन पावर सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। रिटेंशन मतलब आपको याद रहता है लंबे टाइम तक। चलो देन है टाइम सेविंग। टाइम सेविंग कैसे है कि आपको कोई क्लासरूम अटेंड नहीं करनी फिजिकली जाके, कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूट में नहीं जाना है, आप क्लास को अटेंड कर सकते हो ऑनलाइन आपकी नीड के अकॉर्डिंग। आपका टाइम बचेगा कम्यूट करने में, कम्यूट होता है मतलब ट्रैवलिंग करने में, आपका टाइम बचेगा आपको तैयार होने में, और ऑनलाइन क्या है, आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी करके देख सकते हो, जैसा कि आप सभी देखते होंगे अभी। ठीक है, लेकिन वो रियल टीचिंग में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, आप उसको फास्ट फॉरवर्ड थोड़ी ना कर दोगे। चलो सिक्स्थ है, स्टूडेंट इज इन लीड पोजीशन। बिल्कुल स्टूडेंट बिल्कुल लीड पोजीशन में है, वही कंट्रोल कर रहे हैं सब कुछ। स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं कंटेंट को, स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं अपने ऑनलाइन टीचर्स को, स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं डिवाइसेस को कि उन्हें लैपटॉप पे पढ़ना है, मोबाइल पे पढ़ना है, और लर्न कर सकते हैं एज पर देयर कन्वीनियंस, अफोर्डेबिलिटी एंड नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, खर्चे के अकॉर्डिंग, सस्ता मोबाइल ले सकते हैं, महंगा मोबाइल ले सकते हैं, सस्ते लैपटॉप आते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे लैपटॉप आते हैं, किंडल आता है जिसपे आप बहुत सारी ई बुक्स को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो सभी के नीड्स अलग हैं, सभी की डिमांड अलग हैं, तो बच्चे यहाँ पे बिल्कुल लीड पोजीशन में हैं, या लर्नर बहुत ज़्यादा लीड पोजीशन में है। चलो देन है कैन एक्सेस न्यूमरस बुक्स डिजिटली। तो बिल्कुल बहुत सारी बुक्स डिजिटली अवेलेबल हैं, डिजिटल लाइब्रेरी है, कंटेंट है इंस्टीट्यूट का, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने अपना सभी कंटेंट कोविड के टाइम पे ऑनलाइन अवेलेबल करवा दिया था, स्कूल्स के भी कंटेंट हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने भी क्या किया, सभी कंटेंट ऑनलाइन प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, कोविड के बाद ये सब बहुत ज़्यादा हो गया, तो सभी बच्चे क्या हैं, डिजिटली पढ़ सकते हैं और रिमोटली पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज बंद थी कोविड के टाइम पे, है ना, तो सभी बच्चों ने डिजिटली पढ़ाई करी है और रिमोटली या डिस्टेंस लर्निंग करी है। गेटिंग माय पॉइंट? देखो आप इसको ना अपने अकॉर्डिंग में लिख देना, ऐसा नहीं है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया आप उसको इसी फॉर्म में लिखो। मेरा मकसद है आपको चीज़ें समझाना ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आप और आप उन चीज़ों को अच्छे से लिख सको। ठीक है, और ये 16 मार्क्स के लिए इनफ है, बहुत ज़्यादा ही है, बल्कि 16 मार्क्स का जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो आराम से आपके 3-4 पेज भर जाएंगे, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ में पेजेस को देख के नंबर दिए जाते हैं, और 8 मार्क्स में आए तो प्लीज़ कुछ पॉइंट्स हटा देना, मतलब अपने आप वहाँ पे यार दिमाग लगाना। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप पूरा लिखने बैठ जाओ, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो देन है 8th, वॉच विजुअलाइजेशन और सिमुलेशन ऑफ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस और एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा कई बार क्या होता है, टॉपिक या पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, लेकिन जब उसको एनिमेट कर दिया जाता है या उसको एज ए वीडियो को फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है लर्नर के लिए। ठीक है, और उस एनिमेटेड वीडियो को टीचर यूज कर सकता है एज ए टीचिंग एड, और लर्निंग टीचिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा ईजी बना सकता है। ठीक है, क्योंकि आजकल मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस आ चुकी हैं, तो वहाँ पे टीचर वीडियो, इमेजेस, साउंड को यूज कर सकते हैं, और किसी भी
मुश्किल टॉपिक को बहुत ईजी फॉर्म में बच्चों को विजुलाइज करा सकता है, बच्चों को सिमुलेट करवा सकता है। ठीक है, चलो नाइन्थ पॉइंट है हेल्प टू मैनेज स्टूडेंट पेरेंट्स टीचर्स एंड स्कूल मैनेजमेंट। तो आजकल बहुत सारे ऑनलाइन स्कूल मैनेजमेंट टूल्स हैं, ऑनलाइन स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, इससे क्या है, इंट्रैक्शन बढ़ जाता है किसमें, जो भी मेंबर्स हैं स्कूल में या लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में। तो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में कौन कौन से मेंबर हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके टीचर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेशन हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी कोई दिक्कत होती है तो सभी लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, किसी की कोई दिक्कत है, किसी का कोई फीडबैक है तो वो बहुत अच्छे से सुना जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। और बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें पेरेंट स्टूडेंट और टीचर कनेक्ट होते हैं, जहाँ पे टीचर होमवर्क देते हैं, कोई पर्टिकुलर असाइनमेंट प्रोजेक्ट देता है, वो पेरेंट्स को भी पता चल जाता है और पेरेंट्स बच्चों से वो काम करवा सकते हैं। देन है 10th पॉइंट, स्टूडेंट कैन प्रैक्टिस डिफिकल्ट टास्क ऑनलाइन या एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारे सिमुलेशन टेक्निक हैं, बहुत सारे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट को ऑनलाइन करने में हेल्प करता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें बच्चे कोई भी डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसको सिमुलेट कर सकते हैं वर्चुअली। ठीक है, वीआर ग्लासेस लगा के उनको देख सकते हैं और हाथ से प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफिकल्ट टेक्निक को या डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट को, जो कि रियल लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो या हार्मफुल हो। इससे क्या होगा, उनको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि वो रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट किस तरह से होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो जो पायलट होते हैं, पायलट भी एक तरह से लर्निंग प्रोसेस ही है, तो वहाँ पे सिमुलेटर्स का यूज होता है। और वहाँ पे क्या होता है, जो पायलट्स हैं, जो लर्निंग पायलट्स हैं, वो बहुत सी चीज़ों को सिमुलेट कर सकते हैं वर्चुअली विदाउट गोइंग इन रियल लाइफ सिचुएशन, क्योंकि अगर रियल लाइफ में जाएंगे तो वो बहुत लोगों की जान ले लेंगे। ठीक है, तो वो सिमुलेटर्स पे बैठ के ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, और ऐसी ही टेक्निक बहुत स्कूल्स में भी यूज होती है। चलो देन है इंस्टीट्यूट्स रेडियो स्टेशन एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स। तो फॉरेन में तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट हैं जिनके खुद के रेडियो स्टेशन होते हैं, और इंडिया में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके खुद के रेडियो स्टेशन हैं। इन रेडियो स्टेशन पे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब सपोज आपकी यूनिवर्सिटी है और आपको कोई मैसेज देना है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप बच्चों को कह सकते हो कि इस टाइम पे वो डेली रेडियो सुना करें, क्योंकि इस टाइम पे हम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो एक साथ बहुत ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिल सकती है। कोविड के टाइम में या उससे पहले भी आपने देखा होगा बहुत सारे गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल चैनल्स हैं जिन पे पढ़ाया जाता है, जिन पे टीच किया जाता है। और आजकल क्या है, आपने एनसीईआरटी का चैनल देखा होगा, उस पर पर्टिकुलर प्रोग्राम्स आते रहते हैं पर्टिकुलर टाइम पे। चलो, यूजफुल फॉर डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन एंड इंडिविजुअल्स। तो आईसीटी टूल्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि ये उनकी लर्निंग को, उनकी कैपेसिटीज को एनहेंस कर देते हैं। ठीक है, हो सकता है कई बार फिजिकल सेटिंग में वो उतनी अच्छे से लर्निंग ना कर पाएँ, लेकिन आईसीटी टूल्स के जरिए वो अपनी लर्निंग को, अपनी कम्युनिकेशन को, अपने इंट्रैक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और हमें हेल्प होती है एक इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने में या इंक्लूसिव स्कूल बनाने में, मतलब समावेशी शिक्षा में आईसीटी टूल्स का बहुत ज़्यादा यूज है। तो आईसीटी टूल्स में आजकल बहुत ज़्यादा डिवाइस आ गए हैं, डिजिटल ब्रेल आ गया है, तो जो बच्चे देखने में असक्षम हैं वो इस डिजिटल डिवाइस का, इस डिजिटल ब्रेल का यूज कर सकते हैं और टाइपिंग कर सकते हैं। और वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्टर है, ठीक है, मतलब जो आप बोलोगे उसको वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ऑडियो सिस्टम है हेयरिंग अफेक्टेड इंडिविजुअल्स के लिए, लर्नर्स के लिए। डिजिटल मैप्स हैं जो कि बोल के आपको बता सकते हैं या जो भी देखने में असक्षम है उनको समझा सकते हैं कि कहाँ पर टर्न लेना है या कहाँ पर रुकना है। ठीक है, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं, तो जो भी बच्चे डिफरेंटली एबल हैं वो आपस में हेल्प ले सकते हैं कम्युनिटी से और प्रोफेशनल से। ठीक है, तो इस तरह से आईसीटी टूल्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, क्या यूजेस हैं, क्या मेरिट्स हैं। ये 12 पॉइंट्स हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है 12 पॉइंट आप सारे लिख के आ जाओ, उस टाइम आपको जो भी याद आए आप लिख देना। तो आईसीटी टूल्स के बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स भी हैं, ऐसा नहीं है सभी कुछ अच्छी ही हैं, हालांकि अच्छी हैं लेकिन अच्छाई के साथ बुराई भी होती है। ठीक है, तो आजकल स्टूडेंट को अच्छाई के साथ बुराई भी थोड़ी झेलनी पड़ती है, तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रॉन है पोर्नोग्राफी
देखने के लिए, ठीक है। हालांकि पॉन साइट पैन है, लेकिन वीएलएस का यूज करके सभी लोग इसको रन कर सकते हैं, और खासकर बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे जब वो एडोलेसेंस स्टेज पे होते हैं तो सेक्सुअली मैच्योर होते रहते हैं, और वो उनमें क्यूरियोसिटी होती है पॉन देखने की, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऑनलाइन एजुकेशन से या डिजिटल एजुकेशन से ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आईसीटी टूल्स कई बार डिस्ट्रैक्टेबल हो सकते हैं। सपोज आप पढ़ने बैठे हो, आपके अंदर नोटिफिकेशन आ रहा है फ़ोन में, तो बच्चे क्या होंगे, एंगेज हो जाएंगे अदर टास्क में, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। सपोज आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपके ऊपर मैसेज पॉपअप हो रहा है, कोई नोटिफिकेशन पॉपअप हो रहा है, तो आप उसको देखने बैठ जाओगे, ठीक है, और ये वीडियो छोड़ दोगे। तो कई बार क्या है, ये डिस्ट्रैक्टेबल है या डिस्टर्बेंस भी कॉज करता है। आजकल क्या है, इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है बल्कि इन्फॉर्मेशन की फ्लडिंग है। इतना डाटा है ऑनलाइन, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि कई बार ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बच्चों के लिए कि कहाँ से पढ़ें या कहाँ से ना पढ़ें या कितना पढ़ें। गेटिंग अ पॉइंट, मतलब आप कई चीज़ें सर्च करते रहते हो और आपको भर भर के जानकारी मिलती है, आपको ये नहीं पता होता कि पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए, पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, सब्जेक्ट के लिए कितनी इन्फॉर्मेशन जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है प्रोन टू डाटा सिक्योरिटी एंड हैकिंग। तो हैकिंग बहुत कॉमन है, यूट्यूब चैनल्स भी हैक हो जाते हैं, कईयों के बहुत ज़्यादा मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो वो इस केस में क्या है, टीचर्स के लिए भी प्रॉब्लम है और स्टूडेंट के अकाउंट हैक हो सकते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। डाटा सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रिस्की है आजकल। आईसीटी डिवाइस जरूरी नहीं है हर एक जगह एक्सेसिबल हो, ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशन है, इसकी कुछ बाउंडेशंस हैं। सपोज अगर आप फ़ोन में चला रहे हो, अगर वहाँ पे नेटवर्क नहीं आपके फ़ोन का, तो आपका फ़ोन वर्क नहीं करेगा और आप ऑनलाइन कंटेंट नहीं देख पाओगे। चलो देन और पढ़ लेते हैं। सिक्स्थ है प्रॉपर ट्रेनिंग जरूरी होती है स्टूडेंट के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, है ना। ऐसा नहीं है सभी आईसीटी टूल्स सभी लोग अच्छे से यूज कर पाते हैं, सभी को हो सकता है या कुछ लोगों को हो सकता है दिक्कत हो। आईसीटी टूल सेटअप करने में एक और प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी और स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी। तो हो सकता है कई बार जो लोअर इनकम सेक्शन है, लोअर इकोनॉमिक ग्रुप है, उनके बच्चे इस टेक्नोलॉजी से या डिजिटल एज में पीछे रह जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं तो सभी को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, इंटरनेट की ज़रूरत है और टाइम टू टाइम प्रॉपर मेंटेनेंस की ज़रूरत है। एक और रीज़न है, ऑनलाइन एग्ज़ाम आजकल होते हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांस हैं कि मेल प्रैक्टिस हो जाए या बच्चे नकल मारने लगे, ठीक है, चीटिंग करने लगे या चीट करने लगे। सोशलाइजेशन को हो सकता है डिक्रीज कर दे, क्योंकि ये कमरे में आप पढ़ सकते हो, आप पढ़ा सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा सोशलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी एक फैक्टर है या ये भी एक डीमेरिट है। और बहुत ज़्यादा जब बच्चा ऑनलाइन पढ़ता रहता है, डिजिटली पढ़ता रहता है, तो वो उसके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, नॉट गुड फॉर हेल्थ, खासकर उसकी आँखों के लिए और उसके पॉस्चर के लिए, ठीक है। आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है ब्लू लाइट या लैपटॉप की जो भी लाइट पड़ती है, ब्राइटनेस होती है ना, इसको आई थिंक ब्लू लाइट कहते हैं, तो ये आज के लिए हमारे बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो बच्चों को आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा चश्मे चढ़ने लगे हैं छोटी एज में, और बच्चे किसी भी पोस्चर में कंटेंट देखते रहते हैं, उनका पोस्चर भी बिगड़ सकता है उनको, और उनको पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होने का खतरा रहता है। तो इसी के साथ हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काफ़ी पॉइंट थे इसमें, 16 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख देना, जरूरी नहीं आप सारे 12 के 12 पॉइंट लिखो इसमें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो अप्लाई कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।